गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, राकेश आपका दोस्त आरएसएफ फन ब्लॉक से। दोस्तों आज का प्लान है, हम लोग जा रहे हैं गुजरात एकता नगर, जहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने अभी पनवेल से लोकल ट्रेन पकड़ी है, जो लोकल ट्रेन नई मुंबई पनवेल से हमें लेके जाएगी कुरला। कुरला से फिर हम लोग जाएंगे दादर, दादर से फिर अपनी जो ट्रेन है दादर वेस्टर्न एकता नगर एसएफ एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12927, उस ट्रेन में हम लोग बैठ के जाएंगे। दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया, हम लोग दादर पहुंच गए, ये दादर स्टेशन है और ये जो खड़ी है ये हमारी ट्रेन है 12927 दादर वेस्टर्न एकता नगर एसएफ एक्सप्रेस। चलिए अभी ट्रेन के अंदर चलते हैं। ये ट्रेन यहाँ से 11:50 पर छूटती है और सुबह 7:25 पर एकता नगर में पहुँच जाती है। अभी अंदर से मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ, ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है। हम लोगों ने स्लीपर कोच का रिजर्वेशन करवाया है, जिसका पर पर्सन फेयर कुछ 300 रुपीज़ पड़ जाता है। ट्रेन अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी है, टॉयलेट्स भी काफ़ी साफ सुथरे हैं, सोने के लिए भी सीट्स ठीक ठाक ही थी, मतलब इतनी भी गंदी नहीं थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह 7:30 हम एकता नगर स्टेशन पहुंच गए हैं और जैसे ही स्टेशन हम लोगों ने उतर के अभी देख रहे हैं, तो स्टेशन देख के हम हक्के बक्के रह गए दोस्तों। इतना साफ़ सुथरा स्टेशन मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा स्टेशन। एकता नगर स्टेशन के बाहर ये जो बस खड़ी देख रहे हैं आप, ये बस हमें हमारी मंजिल यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकती है। दोस्तों जैसे मैंने अभी दिखाया, ये जो बस है ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्टैचू ऑफ यूनिटी और बाकी जगह लेके जा सकती थी, लेकिन हमने एक्चुअली नहाना वगैरह था तो हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ से एक कैब ले ली। व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, लेके जा रही है। उसी कैब वाले का जो होम स्टे है वो एक होम स्टे भी है, उसका उसका कैब भी है, घूमना है तो उसी कैब में हम लोग घूम सकते हैं। इसी होम स्टे का मैं नंबर और उनका नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। घूमने के लिए यहाँ पे स्टैचू है और इसके बाद से जंगल सफारी है, वैली ऑफ फ्लावर है, कैटस गार्डन है, क्रूज है और वो अपना रिवर राफ्टिंग है। अच्छा। इसके बाद फिर नर्मदा आरती है, इसके बाद आपको पोईचा घूमना और नीलकंठ धाम है, ऐसे झरवाणी है। तो घूमने के लिए आपके पास कितना गाड़ी वगैरह? गाड़ी मेरे पास अर्टिगा गाड़ी मिलेगी आपको, इको गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर है। हाँ। साधन आपको सब मिलेंगे और इसके बाद इसके साथ साथ आपको झरवाणी आरोग्य वन और देखने के लिए आपको यहाँ पे सब चीज है। अच्छा, और आपका एक दिन का घर स्टे का कितना रहेगा? एक दिन का स्टे हम मिनिमम एक रूम 1500 में एसी रूम दे देते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर नॉन एसी चाहिए तो 1200 तक दे देते हैं। ओके, और आपका ये नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश सिंह है और होम स्टे का नाम जय माता जी होम स्टे। ओके ठीक है, ये इनका रूम है और काफ़ी अच्छा है। मैं आपको आगे का पूरा रूम का व्यू मैं दिखाता हूँ। Thank you.
होम स्टे वाले जो भैया हैं उनसे हम लोगों ने बात करके रूम का रेंट थोड़ा कम करवाया और उन्होंने हमें वन डे का 1000 रुपीज़ टैरिफ करके दे दिया। होम स्टे काफ़ी साफ़ सुथरा है, टॉयलेट काफ़ी साफ सुथरा है, बेड्स वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो एक दिन के हिसाब से अगर 24 आवर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया सुविधा है यहाँ पर। दोस्तों उसी कैब से हमने हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी की जर्नी स्टार्ट की, लेकिन वहाँ के रूल के हिसाब से सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही चल सकती है वहाँ। तो हमने वो कैब एंट्री गेट पर छोड़ दी और वहाँ से उनकी जो बस चलती, जो बस मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसी बस में अपनी जर्नी स्टार्ट की। वहाँ की एंट्री फ़ी पर पर्सन 380 रुपीज़ है अगर आप लिफ्ट से स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर तक जाना चाहते हैं, और जंगल सफारी करना चाहते हैं तो उसके 200 रुपये अलग से लगते हैं। दोस्तों ये वही बस है जिससे अभी हम लोग आगे तक जाएंगे। यहाँ से हमें अभी जंगल सफारी और स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचाएगी ये बस, और फिर इस बस के बाद में आगे की फिर अपनी जर्नी जो भी है मैं आपको दिखाता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ से अपनी जंगल सफारी की शुरुआत होती है। यहाँ अंदर एंट्री करने के बाद आप हमें बैटरी ऑपरेटेड जो छोटी ऑटो रहती है ना, वैसी ऑटोज मिलेंगे, इसमें बैठ कर हम लोग वहाँ पर घूमते हैं। अंदर 3D एनिमेटेड जिराफ देखने को मिल रहा है आपको। जिराफ ऐसा उठता है, हमें अंदर जंगल सफारी, एक्चुअली जंगल सफारी नहीं है ये एक्चुअली जू है। यहाँ पे जिराफ देखने को मिला, लेपर्ड देखने को मिला, बंगाल टाइगर है, हिरन है, काफ़ी अलग अलग टाइप के बर्ड्स देखने को मिले।
ये जो बर्ड सेंचुरी टाइप बना है दोस्तों, ये एक्चुअली काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी अलग अलग टाइप के बर्ड्स है, बर्ड्स तो देखने को मिले, लेकिन सबसे खास बात हमें नाचता हुआ मोर देखने को मिला, तो आज का दिन हमारा बन गया दोस्तों। बर्ड सेंचुरी के यहाँ से फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अभी नर्मदा रिवर और सरदार सरोवर डैम चलते हैं। वहाँ जाने का प्लान होने के बाद वहाँ से हमें ई ऑटो से जाना पड़ता है, जो कि 50 रुपीज़ पर ऑटो, जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। और ये सारी ऑटो सिर्फ लेडीज चलाती हैं। यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे काफ़ी अच्छा इन लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे जितनी भी आपको ये ऑटो दिखेंगे, वहाँ पे पूरी लेडीज चलाते हुए दिखेंगे। दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे डायनासोर पार्क। ये जो डायनासोर अभी देख रहे हैं, इसका नाम है राजासोरस नर्मदेंसिस। ऐसा कहा जाता है कि इसी डायनासोर के नाम से नर्मदा रिवर का नाम रखा गया है। ये इंडिया अबे हाँ भाई, फोटो ले, फोटो ले, जल्दी फोटो ले। इंडिया का मैप बनाया हुआ है उधर से देख। ये इंडिया है, ये देखो, ये
स्टैचू ऑफ यूनिटी के दोस्तों जो एंट्री है काफ़ी खूबसूरत है, देख के आपका मन खुश हो जाएगा। अंदर आने के बाद काफ़ी अच्छा साइड में गार्डन वगैरह है, साइड में नर्मदा रिवर है, उसी के बीच में ही आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखता है। और फिर नीचे एक म्यूज़ियम बना है जहाँ पर जो सेवन वंडर्स वगैरह है सब कुछ दिखाया, उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिखाया जा रहा है। और एक लाइब्रेरी है। और फिर हमें लिफ्ट से ऊपर जाना है, लेकिन लिफ्ट में जाते समय वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं करते, इसकी वजह से मैंने डायरेक्टली आपको ऊपर का व्यू दिखाया है। दोस्तों ये है एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाइट व्यू, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, इतना मस्त सजाया हुआ है, इतनी लाइटिंग ज़बरदस्त है कि रात को देखने लायक होता है ये स्टेशन। यहाँ से फिर दोस्तों अपनी जर्नी हो रही है ख़त्म, अभी अपनी ट्रेन लगी हुई है, ट्रेन में बैठना है और वापस मुंबई जाना है। ये जो ट्रिप है आप 24 आवर्स के लिए, मतलब 24 आवर्स अगर आपके पास है छुट्टी तो आप प्लान कर सकते हैं और 24 आवर्स में ये आपकी ट्रिप कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पे और काफ़ी सी जगह है घूमने लायक, लेकिन हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम लोगों ने सिर्फ इतना ही प्लान किया था, जिसमें हमारी तब भी काफ़ी अच्छी ट्रिप हुई और लो बजट में हुई। देखिए दोस्तों प्लान कीजिए, बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।